तो ऐसा भी कोई बच्चा बैठा है जो शहीदी दिवस 23 मार्च के बारे में नहीं जानता, एक बार हाथ ऊपर करके बताएंगे भी ये शहीदी दिवस क्या है। यानी ये मान ले सभी बच्चों को ये पता है शहीदी दिवस क्या है और ये क्यों मनाया जाता है। आवाज नहीं आई, हाँ या ना? जिन जिन बच्चों को पता है वो जोर से हाँ में आवाज लगाएंगे। यस सर, हाँ जी, 23 मार्च शहीदी दिवस, कल को छुट्टी भी है, छुट्टी है कि नहीं? इस पे हमने एक दिन पहले भी चर्चा की थी। तो आदरणीय प्राचार्य हेड टीचर विजय जी और मेरे स्टाफ सदस्यगण और प्यारे बच्चों, इस शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊं क्योंकि ज्यादा बात याद नहीं रहती। 23 मार्च 1931 का दिन था, हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेजों का राज हमारे देश में था। हमारा देश आजाद कब हुआ? बोलो जोर से, बोलो शाबाश। 15 अगस्त 1947, यानी लगभग 16 साल पहले आजादी प्राप्त होने से हमारे देश के बिल्कुल युवा, टीनेजर जिनको बोलते हैं, 20-22 साल की उम्र में काफी देश के सपूत, काफी माओं के लाल जो है, आजादी प्राप्त करने से पहले उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। उसी कड़ी में अंग्रेजों ने, क्योंकि अंग्रेजों का यह राज था और जो भी राज के खिलाफ आवाज उठाता है वो राज के लिए दोषी हो जाता है, और कोई भी पावरफुल, चाहे वो राज हो चाहे वो पावरफुल व्यक्ति अन्य हो, जब उसके खिलाफ कोई आवाज उठती है आम आदमी की, तो वो उस आवाज को दबाने की कोशिश करता है। ऐसे ही जब आजादी की लहर चल रही थी, देश के युवा पीढ़ी और जन जन आजादी पाने के लिए कोशिश कर रहे थे, तंग हो चुके थे गुलामी से।